subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, बी टाउन अप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं छोटे पर्दे का सबसे बड़ा शो द कपिल शर्मा शो, जहां बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार अपनी फिल्म को प्रमोट करने आते हैं। इस शो की टीआरपी सबसे टॉप पर रहती है। इस शो के अंदर कपिल शर्मा, जिसे कॉमेडी के किंग कहते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस शो के एक्टर्स की पर डे की सैलरी के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक पूरा देखना, और आप भी द कपिल शर्मा शो के ट्रू फैन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंदन प्रभास्कर, जो द कपिल शर्मा शो में चंदू चाय वाले का रोल करते हैं। उनके पर डे की जो सैलरी है वो 4 से 5 लाख है। उसके बाद जो नाम आता है वो है कीकू शारदा, जो कपिल शर्मा शो में बच्चा यादव का रोल करती है। उनके पर डे की सैलरी है 5 से 6 लाख। के बाद जिसका नंबर आता है वो है सुमोना चक्रवर्ती, जो कि द कपिल शर्मा शो में सरला का किरदार करती है। उनकी पर डे की सैलरी है 5 से 6 लाख। के बाद जिसका नंबर आता है वो है भारती सिंह, जिन्हें हम कपिल शर्मा शो में तितली यादव के रोल से जानते हैं। उनकी पर डे की सैलरी है 6 से 7 लाख। उनके बाद जिसका नंबर आता है वो है कृष्णा अभिषेक, जिन्हें हम द कपिल शर्मा शो में सपना के नाम से जानते हैं। उनकी पर डे की सैलरी है 7 से 8 लाख पर डे की सैलरी है। उनके बाद जिसका नंबर आता है वो है रोचेला राव, उनकी पर डे की जो सैलरी है वो है 3 से 4 लाख रुपए प्रतिदिन वेतन। और दोस्तों नंबर 2 पर जो आती है वो है जज अर्चना पूरन सिंह, जिनकी पर डे की सैलरी है 10 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 10 लाख रुपए एक डे की सैलरी है। और नंबर 1 पर आते हैं कपिल शर्मा शो की जान कपिल शर्मा, जिन्हें हम कॉमेडी किंग के नाम से जाने जाते हैं। उनकी पर डे का वेतन है दोस्तों 70 से 80 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, पर डे का 70 से 80 लाख रुपए लेते हैं भुगताना कपिल शर्मा। दोस्तों ये थी कपिल शर्मा शो एक्टर्स की पर डे की सैलरी। आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल बी टाउन आपको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिए।